दोस्तों, मैं सुमेल अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव 100 न्यूज। यूपी लाइव 100 न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज भदोही में कुछ लोगों ने पशु को गोनी उठाकर पशुओं को दी ठंडी से राहत। आपको बता दें कि भदोही जिला के सीतामढ़ी की कुछ युवकों ने मिलकर पशुओं को ठंड से बचाने के बोरे उड़ाने का काम। हालांकि यूपी के काफी ठंडी के कारण पशुओं को काफी दिक्कत हो रही है। भदोही से सचिन पांडे की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भाई लोगों ने पशुओं को बोरा उड़ाने का काम किया है, जो कि यहाँ भदोही जिले में बहुत ठंड पड़ रही है। कुंदन मिश्रा जी के साथ और उनके सहयोगी मिलकर ये बढ़िया काम कर रहे हैं। सीतामढ़ी पनकट से हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा से है। इटावा के जीआईसी ग्राउंड में पुलिस प्रशासन की ओर से एक पुलिस पब्लिक क्रिकेट मैच का आयोजन किया। मकसद था कि कल जुमे के लेकर शहर में अमन शांति बने रहे, इसको लेकर क्रिकेट मैच मुस्लिम समुदाय के साथ खेला गया। मैच को देखने के लिए बड़े संख्या में लोग जुटे। 10 ओवर का मैच में पहले खेल हुई पुलिस की टीम ने 70 रन बनाए, जिसमें सीओसीटी वैभव पांडे ने 30 रन बनाया। सीओसीटी के मैन ऑफ द मैच चुने गए। जिस तरह से पुलिस की टीम ने यह मैच जीता, वही पुलिस कप्तान ग्राउंड में मौजूद लोगों को दिल भी जीता। लोगों को पुलिस के इस पहले का जिसमें मैच ने जरिए शांति का संदेश दिया गया, उसकी प्रशंसा करते नजर आए। बैट संतोष कुमार मिश्रा एसएसपी इटावा, बैट मौलाना तारिक शमसी मौलाना। आज जनपद इटावा में जीआईसी ग्राउंड में पुलिस और पब्लिक की मैत्री मैच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। हमारे पब्लिक की टीम से हमारे भाई साहब और हमारे चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने इस टीम को लीड किया, और साथ ही साथ हमारे अच्छे कई प्लेयर यहाँ पे उभर के आए इस मैच में। इस क्रिकेट मैच के आयोजन का उद्देश्य जो हमारी पुलिस प्रशासन है और पब्लिक के बीच में जो लगातार एक मित्रता का, एक आपसी भाईचारे का सौहार्दपूर्ण जो वातावरण जो माहौल रहा है पूरे पूरे वर्ष में, चाहे वो चुनाव हो, चाहे होली हो, ईद हो, मुहर्रम हो, दिवाली हो, बकरी हो, चाहे अयोध्या प्रकरण हो, इस पूरे दौरान जो शांतिपूर्ण माहौल और आपसी भाईचारा जनपद इटावा में बना रहा, उसी के तहत ये मैत्री मैच एक मैसेज के रूप में ये यहाँ पे खेला गया। इस मैच को सकुशल आज संपन्न भी कराया गया। हमारे कई प्रतिभाएं इसमें से उभर के आई, पुरानी प्रतिभाएं जो शायद कहीं भूल गई थी अपनी, आज अपना हुनर दिखाया और ऐसी ऐसी बॉलिंग करते हुए दिखे जो लग रहा था, जिसे ये प्रतीत होता है कि अपने टाइम पे जब ये नए बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने टाइम पे कितने खतरनाक बॉलर हुआ करेंगे, इनकी बॉलर से मुझे मालूम चला। उसी तरीके से हमारे पब्लिक के हमारे बैट्समैन भी कई लंबे लंबे छक्के लगाए, और जो पब्लिक का भी जो सहयोग रहा, जो लगातार जोरदार तालियां बजती रही, उसी से हम लोग भी लगातार मनोबल बढ़ा रहा और उछल उछल के एसपीसीडी साहब हो, एसपीआरएस साहब हो, ऊंची ऊंची के फील्डिंग करते हुए नजर आए। पता ही नहीं चल रहा था कि छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ये यंग बच्चे खेल रहे हैं, या हमारे एसपीसीडी साहब, किसी ने भी जो जोश की कोई कमी नजर नहीं आई, और ये संभव हो पाया है जो हमारी पब्लिक थी, हमारे जो इटावा की जनता है, उनके प्रेम से और उनका जो साथ हम लोग के साथ हरदम रहता है, उसकी वजह से आज ये मैच को सक्सेसफुल संपन्न कराया गया। मैं सभी हमारे जितने भी आयोजक हैं, हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, हमारे पब्लिक के साथ ही, हमारे मीडिया के साथ ही, इस ग्राउंड की व्यवस्था में लगे हुए हमारे सभी साथियों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि इस तरीके का आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इस मैच का आयोजन किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इसी तरीके से मैच या कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा, जिससे एक मिसाल, एक संदेश पूरे देश में और विदेशों में भी जनपद इटावा की एक मिसाल दूर दूर तक पहुंचे कि किस तरीके से जब ड्यूटी का समय होता है तो पुलिस प्रशासन और पब्लिक मिलकर अपने शहर में शांति व्यवस्था भी बनाती है, और जब मैच का वक्त होता है तो किस तरीके से एक छोटे बच्चों की तरह, 18-20 साल के नवयुवक की तरह, हमारे पुराने पुराने खिलाड़ी भी निकल आते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से
जी सभा चल रहा है उसी तरीके से इसमें प्लेन पूरा दोष दिखाएंगे। बहुत अच्छा आयोजन रहा और इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा तहे दिल से सबको धन्यवाद और उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से ये अच्छा मैच संपन्न हुआ इसी तरीके से जनपद इटावा की फिजा और ये माहौल भी इसी तरीके से खुशनुमा बने रहे, यही मेरी दुआ रहेगी, यही मेरी पूरा जो है सभी आप सभी से निवेदन भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुलिस कप्तान साहब को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इस अथक प्रयास से शहर में जो माहौल बना हुआ है वो माहौल आगे एक खेल का माहौल और एक उत्साह के माहौल के साथ जारी रहेगा। इटावा में तमाम मौके आए, त्योहार आए, तमाम और अवसर आए, किस तरह से उन्होंने यहां शांति और अमन का वातावरण कायम करने में, जनता को सुरक्षा की भावना प्रदान करने में अहम रोल अदा किया है। हम उम्मीद करते हैं ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।